कमलिया काम नाम पटवा मैं कमलिया आप सबको आज नमस्कार करती हूँ। नमस्ते। हम लोग सारे जो हैं यहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर पर इकट्ठे हुए हैं। ये परमात्मा की इच्छा से मैं आज आपके बीच में हूँ। एक बार पहले भी काफी दिन पहले आई थी पौधे लेके। मेरा थोड़ा परिचय दूं आपको। मेरा नाम जनक पलटा मजिलीगन है पूरा नाम, लेकिन मुझे लोग बड़े प्यार से जनक दीदी ही कहते हैं। और मैं सोनारिया गांव में रहती हूँ करीब 11 साल से। और मैं ना तो किसी राजनीतिक पार्टी में हूँ, ना कोई सरकारी नौकरी या पद पे हूँ, और ना मैं किसी की मालिक हूँ, ना मैं किसी की नौकर हूँ। मैं केवल एक इंसान सेविका हूँ। मेरा काम सिर्फ सेवा है। मेरी सेवा में परमात्मा की दया से लोग इंसान हम सबने सुना है आज गुरु पूर्णिमा में ऐसा दिन जिसमें सबने सुना है कि प्राणियों में सद्भावना करनी है और विश्व का कल्याण करना है। तो हम सबको सद्भावना के लिए कोरोना ने ऐसा पाठ सिखा दिया है कि आपका सब भरा रह जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके अंदर आ जाएगा, कब आपके परिवार में मिल जाएगा। और जो लोग बच के यहाँ खड़े हैं मेरे समेत, हम लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले हैं। लेकिन शुक्र है हमारी सरकार का कि हमारी सरकार गांव गांव जाके बिना पैसे लिए फ्री में टीका लगा रहे हैं। और इसी तरह ये पौधे भी फ्री में आपको दिए जाएंगे, लेकिन ये एक गिफ्ट है। ये ऐसा नहीं है कि हमको बांटने हैं, क्योंकि डेढ़ महीना पहले मैंने ऐसा सोचा कि अभी दूसरी कोरोना की जब लहर आई कितने लोग इसलिए मर गए कि ऑक्सीजन नहीं मिली। लेकिन ऑक्सीजन तो केवल गांव में ही पैदा हो सकती है, ऑक्सीजन सिटी में नहीं पैदा होती। सिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर में भरते हैं, फैक्ट्रियां हैं, और बीमारों को फिर दे दो ऑक्सीजन लगा दे, वेंटिलेटर लगा दे। तो मैं इस बात से तीसरी लहर से डरना है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। आपको अभी मैं आमंत्रित करती हूँ कि जिस जिस को पौधा लेना है जाके लगाना है वही लोग अपना पौधा उठाएं। पहले बहने आ जाए, लेकिन एक एक करके आओ, अपनी पसंद का पौधा ले लो। एक लेना, दो लेना, लेकिन हल्ला नहीं करना और भीड़ नहीं करनी। आइए लेते जाइए। बेटा जरा दूर दूर रहना है सबको, मास्क लगा के रखना है, दूर रहना है, दिल से प्यार करना है, लेकिन पास पास खड़े नहीं होना है। चल रहा है मैडम, कर दो क्या बंद? ओके कर दो।